तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में फोर्स की ब्रीफिंग भी हो रही है, डीब्रीफिंग भी हो रही है, रिहर्सल्स भी कर रहे हैं, सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और क्योंकि जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो प्रोटोकॉल की आवश्यकताएं जो हैं, सुरक्षा को लेकर आवश्यकताएं हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और निरंतर सत्यापन की कार्रवाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हुए हम लोग करा रहे हैं और आश्वस्त है कि सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न होगा। थैंक यू। सभी तरह से रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी रखी जा रही है, एएस चेक्स के माध्यम से भी रखी जा रही है, जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया है और सभी संभव आयाम हमने सुरक्षा के इसमें शामिल किए हैं और हम आश्वस्त हैं कि सभी कार्यक्रम सुखद संपन्न होंगे। विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं, उनके सभी की व्यवस्था, देशी विदेशी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए गए? रूट डाइवर्जन हम लोगों ने ऑलरेडी एक्टिवेटेड किया हुआ है और इसमें चूंकि इसमें हम लोग दर्शन 23 तारीख से आरंभ होगा, इसलिए सभी लोगों से अपील की है कि 23 तारीख के बाद दर्शन करने के लिए आए और जो अतिथिगण आ रहे हैं उसमें पूरे अयोध्या वासी और यहाँ के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और हम लोग सब लोग मिल करके स्थानीय नागरिक हों चाहे हम लोग पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग मिल करके आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी देश की सभी सुरक्षा एजेंसियाँ दृश्य और अदृश्य रूप से मिलकर के कार्य कर रही है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पर तमाम जो कमांडोज हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर, इसके अलावा आप देखें तो ये ब्लैक गाड़ियां और इसके पीछे अगर आप देखें तो पूरा बख्तर बंद गाड़ियों का समूह आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और ये देखिए लगातार सायरन बजाते हुए पूरा ये जो एटीएस की टीम है, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, उसके जवान आपको ये 72 गन गाड़ियों के साथ और इसके अलावा पूरा जवानों का काफिला आपको यहां से तस्वीरों में नजर आता होगा। और अयोध्या में अभी भी फिलहाल बहुत भीड़ है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये अयोध्या जो है और उसके आसपास के इलाका पूरी तरह से संवेदनशील है और ऐसे में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई खामी ना हो, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर दुनिया भर की तमाम नामचीन हस्तियों के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब एटीएस के कमांडोज की तैनाती की गई है जो लगातार अयोध्या के पूरे इलाके में गश्त दे रहे हैं।